खबर उत्तराखंड की पौड़ी से है, जहां एसएसपी श्वेता चौबे ने तीन कोतवाली निरीक्षकों सहित आधा दर्जन सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए। जानकारी के अनुसार मणिभूषण श्रीवास्तव, जो अभी तक कोतवाली लंस डाउन का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें कोतवाली प्रभारी कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जबकि कोतवाली कोटद्वार निरीक्षक विजय सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार से वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर निरीक्षक हरिओम राज चौहान, जो कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर थे, उन्हें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लंसडाउन बनाया गया है। वहीं निरीक्षक रवि सैनी, जो पुलिस लाइन पौड़ी में थे, उनको प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर बनाया गया। निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर पुलिस कार्यालय पौड़ी से प्रभारी डीआरपी सम्मान सेल पुलिस कार्यालय पौड़ी बनाया गया। इतना ही नहीं, निरीक्षक प्रताप सिंह को प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नीलकंठ थाना लक्ष्मण झूले से प्रभारी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन बनाया गया है। उधर एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि श्रीनगर पौड़ी और कोटद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। लगातार हमारे द्वारा जो है इन चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त जो एक वृहद प्लान भी ट्रैफिक से रिलेटेड बनाया जा रहा है पूरे पौड़ी जनपद के लिए, जिसमें कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर को स्पेशल इम्फेसिस देते हुए एक शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान में जैसे बाईपास और कहाँ कहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगनी है, मल्टी लेवल पार्किंग्स कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश होनी है उस संदर्भ में, और अभी शॉर्ट टर्म प्लान में कहाँ हम वन वे कर सकते हैं, कहाँ लेफ्ट टर्न फ्री कर सकते हैं, कहाँ हम पॉकेट पार्किंग्स डेवलप कर सकते हैं, उस संदर्भ में प्लान तैयार किया।